आज भी लेके आ गया आपके लिए टॉपिक वीडियो। दोस्तों काफी अच्छी टॉपिक वीडियो है। बेसिकली मैं आज बात करने वाला हूँ आपके फोन की सिक्योरिटी के बारे में, जो कि स्पेशली हम लगाते हैं हमारे फिंगरप्रिंट सेंसर की। दोस्तों पहले आपसे एक क्वेश्चन है, आप बताइए आपके फोन में कौन सा सेंसर है, इन डिस्प्ले है, साइड माउंटेड है या रियर साइड पे है। वैसे यहां पर अगर मैं बात करूं फिंगरप्रिंट सेंसर का यूज किया क्यों जाता है, तो दोस्तों वो आपकी सिक्योरिटी के लिए, मतलब आपका जो फोन है उसके अंदर फेस आईडी भी होती है, फेस अनलॉक वगैरह, तो उसको इतना ज्यादा सिक्योर नहीं माना जाता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी में फिंगरप्रिंट्स ज्यादा सिक्योर मानी जाती है, क्योंकि आपका प्रिंट जो है किसी से मैच नहीं हो सकता, लेकिन आपकी जो फेस है उसको फोटो से दिखा के या किसी तरीके से बना के ओपन किया जा सकता है। और दोस्तों अब बात आती है कि फिंगरप्रिंट सेंसर होते कितने तरह के हैं, तो इनके तीन टाइप्स होती है, जिसमें बेसिकली आपको अब मार्केट में दो ही मिलते हैं। तो पहले जो रियर साइड में आता था फोन के बैक साइड पे, या फिर अब आते हैं साइड माउंटेड और उसके अलावा आपको इन डिस्प्ले मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आज मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा और थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि कौन सा कितना अच्छा होता है, क्योंकि फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो सारे अच्छे होते हैं मेरे हिसाब से। क्योंकि यूजर जो है जब यूज करना शुरू करता है तो बेसिक चीज ये है कि जैसा फोन बना हुआ हमें वैसे यूज करना पड़ता है, और जब हमारे को हैबिट हो जाती है उस चीज की तो हमें कोई ज्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। पर फिर भी बहुत से लोगों के दिमाग में ऐसा डाउट होता है कि इन डिस्प्ले ज्यादा अच्छा है या साउंड माउंटेड ज्यादा अच्छा है या फिर रियर साइड में ज्यादा अच्छा है। तो रियर साइड अब आते नहीं है। वैसे रियर साइड जो होते थे उसका एक फायदा होता था कि वो बड़ा सेंसर होता था, तो आपकी जो फिंगर टच होती है तो उसमें ज्यादा बड़ा स्कैन हो जाता है, यानी कि आपकी फिंगर का ज्यादा पार्ट जो है वो स्कैन हो जाता है। अब दोस्तों उसकी बात करें कि उसमें डिसएडवांटेज क्या है, तो बेसिक डिसएडवांटेज ये थी कि वो थोड़ा सा स्लो था, या थोड़ा ज्यादा स्लो कहूंगा, और इसके अलावा उसके अंदर जो है फोन की लुक खराब हो रही थी। बेसिकली एक आपका सेंसर है वो कैमरा के पास में रखा होता था, तो कैमरा को भी डिफेक्ट होने का ज्यादा डर होता था। जैसे किसी के नेल्स वगैरह बड़े हैं, वो कैमरा लेंस पे टच हो रहे हैं, तो कैमरा लेंस के ऊपर स्क्रैचेस वगैरह आने के डर होते थे, ये चीजें होती थी। इसीलिए जो रियर साइड पे फिंगरप्रिंट सेंसर होते थे उन्हें थोड़ा सा कम कर दिया गया या हटाई दिया गया। अब दोस्तों यहां पर आ जाते हैं मेनली दो फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि हमारे पास आते हैं इन डिस्प्ले या फिर आपको साइड माउंटेड मिल जाते हैं। अब दोस्तों यहां पर जो है एक बड़ी जंग चल रही है कि साइड माउंटेड अच्छे होते हैं या इन डिस्प्ले। तो दोस्तों यहां पर आपको आज मैं कंक्लूजन भी दूंगा। दोस्तों सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग इन डिस्प्ले से। दोस्तों इन डिस्प्ले जो फिंगरप्रिंट सेंसर है बेसिकली आपको ये देखने को मिलते हैं एमोलेड डिस्प्ले वाले फोन्स में। अब दोस्तों यहां पर अगर मैं बात करूं कि एमोलेड के अंदर इन डिस्प्ले सेंसर लगे होते हैं वो उसमें भी दो टाइप्स होती हैं। तो यहां पर आपको जो एमोलेड डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलते हैं उसमें सबसे पहला होता है अल्ट्रासोनिक और दूसरा होता है ऑप्टिकल। दोस्तों अल्ट्रासोनिक जो होता है वो सबसे अच्छा फिंगरप्रिंट सेंसर है इन डिस्प्ले के लिए, लेकिन ज्यादातर फोन्स में आपको देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों इसका कारण ये है बेसिकली कि वो फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है, मतलब क्योंकि नाम से पता चल रहा है अल्ट्रासोनिक है, उसमें जो है असली स्कैनर वगैरह यूज किया जाता है जो आपके डिस्प्ले से आपके जो फिंगर की लाइंस हैं जो भी हैं उनको अच्छे से स्कैन करता है और अपने अंदर स्टोर करता है। दोस्तों उसमें दिक्कत बस यही है कि वो महंगा बहुत पड़ता है। अब दोस्तों यहां पर अल्ट्रासोनिक जो है वो काफी फास्ट होते हैं, काफी एक्यूरेट होते हैं। अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि वो ज्यादातर किस कंपनी के फोन में आपको देखने को मिलते हैं, तो सैमसंग के फोन में आपको देखने को मिल जाते हैं, और सैमसंग ने ही उसे डिजाइन किया है। यहाँ फिर आपने आईक्यू का देखा होगा, 90 आया है 5G, उसके अंदर भी अल्ट्रासोनिक यूज किया गया और काफी ज्यादा फास्ट है। सबसे ज्यादा बड़ा फायदा ये होता है कि आपको सिर्फ अपनी फिंगर को जो भी थंब वगैरह आप लगा रहे हो उसको एक बार टच करना है और आपकी जो फिंगर है एकदम से रजिस्टर हो जाती है, जबकि ज्यादातर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर में बार बार टच करना पड़ता है, उठाना पड़ता है, टच करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है रजिस्टर करने के लिए। तो बस इसी में यही चीज है मेन कि ये महंगा बहुत ज्यादा होता है, इसके अलावा इसमें कुछ खास कमी नहीं होती है। बाकी दोस्तों अगर मैं बात करूं ऑप्टिकल वाले की, तो ऑप्टिकल वाला जो होता है वो एक मैं कहूंगा असली फिंगरप्रिंट सेंसर है ही नहीं है, वो बेसिकली आप समझ लीजिए कि आपको बेवकूफ बनाने वाला काम है। अब आप कहोगे कैसे, तो बेसिकली ऑप्टिकल जो फिंगरप्रिंट सेंसर होते हैं वो फिंगरप्रिंट सेंसर होता ही नहीं फोन में, वो एक कैमरा होता है बेसिकली मैक्रो कैमरा। आपके डिस्प्ले के अंडर में एक छोटा सा मैक्रो कैमरा लगा दिया जाता है, वो कैमरा क्या करता है आप जब रजिस्टर करते हो तो आपके फिंगर की फोटोज खींच लेता है और स्टोर कर लेता है। अब दोस्तों होता है यहाँ पर यह कि जब आप अनलॉक करने के लिए फोन पे टच करते हो तो आपने देखा होगा उसके आसपास बहुत सारी लाइट निकलती है, तो उस टाइम जब वो कैमरा है वो आपके फिंगर की फोटो खींच रहा है और दूसरी फोटो से मैच कर रहा है जो उसके पास पहले से पड़ी हुई है। उसके बाद जो है अगर फिंगर मैच हो गई तो आपका फोन ओपन हो जाता है, अगर नहीं होती है तो वो नहीं देता रिस्पॉन्स। दोस्तों ये चीज होती है, मतलब उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर होता ही नहीं है। दोस्तों ये भी आपको एमोलेड डिस्प्ले वाले फोन्स में ही देखने को मिलता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एमोलेड डिस्प्ले है वो काफी अच्छे से काम करती है, इसके साथ में भी एमोलेड डिस्प्ले जो होती है उसके अंदर एक छोटा सा होल होता है जिसमें से वो कैमरा आपको देख सकता है। अब यहां पर ये चीज आती है कि यहां पर सिक्योरिटी कम है, क्योंकि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर को नहीं पता है कि आप फिंगर रख रहे हो या क्या रख रहे हो। वो फोटो वगैरह अगर हम ज्यादा क्लियर करके किसी तरीके से उसको टच करवा दें, जैसे मान लीजिए किसी ने फोटो खींच के अपने अंगूठे पे लगा के उसको टच कर दिया,
तो हो सकता है कि वो फोटो को क्लीन मैच करके ओपन हो जाए। तो दोस्तों ऐसा कुछ होता है, तो बेसिकली ये बेवकूफ भी बना रहे हैं दोस्तों, इसलिए ये ज्यादा सिक्योर भी नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज आती है कि ये कॉस्ट के मामले में सस्ता पड़ता है, तो ज्यादातर एमोलेड डिस्प्ले वाले फोन में आपको देखने को मिल जाता है। मतलब आप कह सकते हो कि 20,000 से ऊपर जितने भी फोन आते हैं उनके अंदर आपको जो इन डिस्प्ले मिलता है ज्यादातर में आपको ऑप्टिकल मिलता है, जो कि इतना ज्यादा फास्ट भी नहीं होता है और इतना ज्यादा एक्यूरेट भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो सिक्योरिटी के मामले में थोड़ा सा कमी है, पर हाँ एक्यूरेट होता है, इतना ज्यादा नहीं। दोस्तों लास्ट वाले फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करते हैं, जो कि रहता है साइड माउंटेड। दोस्तों साइड माउंटेड जो होता है बेसिकली आपका जो रियर माउंटेड है वैसा ही फिंगरप्रिंट सेंसर है, यानी कि फिजिकल सेंसर उसमें होता है, तो सच में आपकी फिंगर जो है वो चीजें स्कैन होती है। साइड माउंटेड का फायदा बहुत होता है दोस्तों, क्योंकि आपका फोन कहीं पड़ा है, चाहे उल्टा पड़ा है चाहे सीधा पड़ा है, आप कभी भी फोन को उठा के अनलॉक कर सकते हो, वहां पड़े पड़े को अनलॉक कर सकते हो। इन डिस्प्ले में ये होता है कि अगर आपकी डिस्प्ले सीधी पड़ी है तभी आप अनलॉक कर सकते हो, उसके अलावा नहीं कर सकते। यहां पर ये चीज आई थी कि साइड माउंटेड जो है वो काफी अच्छे होते हैं, ये सबसे ज्यादा फास्ट फिंगरप्रिंट सेंसर होते हैं। मतलब आपको हल्का सा टच करना पड़ता है आपकी जो डिस्प्ले है वो एकदम से ओपन हो जाती है। इसमें एक चीज होती है कि आपका जो फोन है आपकी एक्यूरेसी भी काफी अच्छी होती है, आपकी फास्ट भी काफी चीज अच्छी होती है, लेकिन इसमें कमी ये होती है कि आपका जो ये सेंसर है ये ऐसी पोजीशन होती है इसकी कि ज्यादातर हम जब पॉकेट वगैरह में हाथ डाल के निकाल रहे होते हैं तो हाथ जो है टच हो ही जाता है कहीं ना कहीं सेंसर के ऊपर। तो अगर गलत हाथ टच हो जाता है आपको पता है सेंसर नहीं रिस्पॉन्स करेगा, टीचर पर अगर गलत हाथ लग गया गलती से तो उससे क्या होता है आपको पता है, आपको पिन या पैटर्न या जो भी आपने लगा रखा है उसको भरना पड़ता है। तो इसमें बस यही कमी होती है कि वो ऐसी पोजीशन पे होता है कि बार बार हाथ टच हो जाता है और गलत फिंगर टच होने की वजह से वो फिर लॉक हो जाता है। यहां पर एक ही कमी है, इसके अलावा इसमें कुछ खास कमी नहीं होती है। एक्यूरेसी के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में फास्ट अगर मैं कहूं तो बहुत ज्यादा होता है। तो साइड माउंटेड में बहुत सारे फायदे हैं। दोस्तों अगर मैं इन डिस्प्ले की बात करूं यहां पर, तो इन डिस्प्ले में सबसे अच्छी चीज आपको ये मिल जाती है कि अगर अल्ट्रासोनिक है तो आपके अगर हाथ गीले भी हैं तो भी वो ओपन हो जाएगा बड़े आराम से, लेकिन यहीं अगर मैं बात करूं ऑप्टिकल की तो वो कई बार मना कर देता है। और साइड माउंटेड में एक और फायदा होता है कि आपका जो फोन है एक तो कैसे भी पड़ा है वैसे खुल जाएगा, प्लस आप चाहे राइट हैंडेड हो चाहे आप लेफ्ट हैंडेड हो आप अपने कोई भी डिस्टर्ब कर सकते हो फिंगर को। जैसे राइट हैंडेड लोग तो ज्यादातर थंब का यूज करते हैं, लेकिन अगर लेफ्ट हैंडेड है तो वो इस फिंगर इंडेक्स फिंगर का यूज करते हैं रिसीव करने के लिए, तो फोन आराम से अनलॉक भी हो जाता है। तो साइड माउंटेड के काफी फायदे हैं, लेकिन इन डिस्प्ले जो है वो दिखने में काफी अच्छा लगता है। और अगर दोस्तों हम कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पे एक ही निकलता है कि अगर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर ही चाहिए, आपको वही ज्यादा पसंद है, तो कोशिश कीजिए अल्ट्रासोनिक जिसमें है वही वाला फोन खरीदिए, और साइड माउंटेड का कोई इश्यू नहीं है, साइड माउंटेड बहुत अच्छा होता है। तो आप बताइए अपने व्यूज कमेंट्स में, और अगला टॉपिक क्या बनाना चाहिए वो भी सजेस्ट कर सकते हो कमेंट्स के अंदर, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कीजिए, और शेयर भी कीजिएगा आज की वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।